अस्सलाम वालेकुम बच्चों जी, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक है, मज़े से हैं? क्या कर रहे हैं भाई? काम कर रहे हैं? वेरी गुड, रिवाइज कर रहे हैं? काम तो कर लिया होगा आपने, भेज दिया था ना टीचर को, सेंड कर दिया था, सबमिट कर दिया था सब कुछ? वेरी गुड, काम सबमिट कर दिया था। तो अब आप बैठे में वेट कर रहे हैं मेरा कि आज हम आपको नया काम कराएंगे। बिल्कुल आज मैं नया काम कराऊंगी आपको, बल्कि काम करने को दिल नहीं चाह रहा मेरा, पढ़ाने को भी दिल नहीं चाह रहा मेरा भाई, नहीं दिल चाह रहा मेरा आज पढ़ाने को, कहानी सुनाने को दिल चाह रहा है मेरा। कहानी सुननी है? बहुत मज़े की कहानी है मेरे पास। हाँ सुननी है तो बताइए, वरना मैं काम करा दूँगी। सुननी है? चले बस कहानी सुनते हैं, बड़े मज़े की एक कहानी है, वो मैं सुनाऊँगी तो देखिएगा आपको कितना मज़ा आएगा। ठीक है जी, बस कॉपी बंद कर दीजिए, बुक बंद कर दीजिए जी, बस कहानी सुनते हैं आज। ठीक है जी, और कहानी पता है किसकी है आज? आज कहानी है ई और ए की जी। यहाँ लिखा हुआ है ई ए, ई ए, वेरी गुड, ई और ए की कहानी हम पढ़ रहे हैं। पढ़ना है, सुनना है ना आप लोगों ने? बस ठीक है, हम सुनने वाले हैं और क्या करेंगे भाई। हाँ भाई, छोटी है और बड़ी है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, छोटी है और बड़ी है, बिल्कुल। इनकी आवाज़ें क्या हैं? इनकी आवाज़ें हैं ई और ए, और इनके नाम हैं छोटी है और बड़ी है, वेरी गुड। अच्छा बच्चों, मुझे बताइए कि आप लोगों ने अब तक जो है, हमने छोटी ये और बड़ी ये को देखा कि वो अल्फाज के साथ जब आते हैं तो अपनी शक्ल के साथ आते हैं, है ना भाई? देखा है ना आप लोगों ने कि भाई जब भी वो आते हैं तो वो अपनी शक्ल के साथ में आते हैं, जैसे दी, री, है ना, और आपके पास बी, और चा, बी, बो, टी, बिल्कुल। ये सारे अल्फाज जो हैं वो अपनी ही शक्ल के साथ, यानी कि उसमें आपकी जो छोटी ये होती है वो अपनी शक्ल के साथ आती है, अपनी शक्ल चेंज नहीं करती है, है ना भाई? और जो दूसरे अल्फाज होते हैं, जो दूसरे लफ्ज होते हैं, वो अपनी शक्ल चेंज कर लेते हैं, हाँ तब्दील कर लेते हैं, लेकिन छोटी ये अपनी शक्ल चेंज नहीं करती है। इसी तरह से हमारे पास बड़ी ये भी मौजूद है, बड़ी ये भी अपनी शक्ल चेंज तब्दील नहीं करती है, जैसे कि बे, हाँ बे, और उसके बाद जे, जे, हाँ, और कौन कौन से होते हैं भाई? पापे, टोपे, ये सब अल्फाज ऐसे हैं जिसमें आप देखेंगे कि छोटी ये और बड़ी ये अपनी शक्ल तब्दील नहीं करते, अपनी शक्ल के साथ आते हैं। और क्या हुआ एक दिन, पता है आपको? एक दिन ऐसा हुआ के सारे जो लफ्ज थे, यानी कि सारे हर्फ जो थे, ब, प, त, ट, ये सब मिलके खेल रहे थे। जब ये सब मिलके खेल रहे थे तो दूर बैठी छोटी ये, यानी कि ई जो है, उनको देख रही थी, ऐसे देख रही थी कि भाई सब मिलके खेल रहे हैं, मुझे नहीं खिला रहे। उसने कहा सारे हर्फ से, सारी आवाज़ों से कि भाई मुझे भी अपने साथ खिला लो, मैं भी तो खेलूँगा। उन्होंने कहा कि आप तो हमारे साथ आते ही नहीं हैं, आप तो अपनी शक्ल चेंज नहीं करते, अपनी शक्ल के साथ आते हैं, अपनी शक्ल तब्दील नहीं करते। अगर आपको हमारे साथ मिल के खेलना है तो आप क्या करेंगे, अपनी शक्ल तब्दील कर लें। उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं तो अपनी शक्ल तब्दील नहीं करूँगा, मैं तो वैसे ही आऊँगा अपनी शक्ल के साथ। तो फिर उन्होंने कहा सारे आवाज़ों ने, सारे हुर्फ ने, कि भाई अगर आप अपनी शक्ल चेंज कर लेंगे, हमारे जैसे बन जाएंगे, हमारे बीच में मिल जाएंगे, तो हम आपको दो टॉफ़ी और एक चॉकलेट देंगे। दो टॉफ़ीज और एक चॉकलेट, आह ज़बरदस्त। तो छोटी ये ने सोचा, सही है, डन,
हाँ भाई ठीक है, मैं तुम्हारे साथ मिल जाता हूँ और मैं अपनी शक्ल भी चेंज कर लूँगा, तब्दील कर लूँगा, तुम लोग जैसा हो जाऊँगा। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, अब सारे हुर्फ जो थे वो उनको अपने साथ मिलाकर खेलने लगे। देखें अब आप यहाँ पे कुछ हुर्फ देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ईद, ईद, ईद में देखें ये दो टॉफीज और चॉकलेट नज़र आ रही है ना आपको, इसका मतलब है यहाँ पे छोटी एस हैं, हाँ वो इनके साथ मिल के खेल रही हैं, तो यहाँ पे आवाज़ भी ई की आएगी, छोटी ए की आएगी, ईद, ईद, ईद। हाँ ये देखें यहाँ लिखा हुआ है दीप, 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 यहाँ पे भी दो टॉफीज और एक चॉकलेट है ना, तो यहाँ पे भी जो है वो छोटी ये छुपी हुई है, हाँ खेल रही है इनके साथ में, तो इनकी आवाज़ भी क्या आने वाली है, ई की, दीप, दीप। अब आप पहचान जाएंगे ना, जहाँ आपको दो टॉफीज और एक चॉकलेट नज़र आएगी इसका मतलब ये है कि वहाँ पे छोटी ये है और आवाज़ ई की आएगी, सही है। अच्छा ये चीज़ जब देखी बड़ी ये ने, तो बड़ी ये ने कहा कि मुझे भी मिलना है भाई हुर्फ के साथ में, मुझे भी चॉकलेट चाहिए, मुझे भी टॉफ़ी चाहिए। तो वो गए हुर्फ के पास, सारी आवाज़ों के पास गए, मुझे भी मिला लें अपने साथ, मुझे भी मिला लें, मैं भी अपनी शक्ल चेंज कर लूँगा, मैं भी अपनी शक्ल तब्दील कर लूँगा। तो सारे हुर्फ ने कहा कि भाई हमारे पास चॉकलेट तो ख़त्म हो गई है, सिर्फ टॉफ़ीज़ बची हुई हैं, अगर टॉफ़ीज़ चाहिए ना दो तो आ जाइए हमारे साथ मिल के खेल लीजिए, हम आपको दो टॉफ़ी देंगे लेकिन चॉकलेट नहीं देंगे, आप अपनी शक्ल तब्दील कर लें। उन्होंने सोचा बड़ी ये ने कि ठीक है भाई, कम से कम कुछ तो मिल रहा है, मैं इनके साथ में खेल तो लूँगा। तो बस उन्होंने कहा ठीक है मैं अपनी शक्ल चेंज कर लाऊँ, मुझे दो टॉफ़ी तो दे दें आप। हाँ तो उसके बाद क्या हुआ, वो भी हुर्फ के साथ में मिल के खेलने लगे। अब देखें यहाँ पे उन्होंने मिलकर खेलकर कौन कौन से लफ्ज़ बनाए, बेल, बेल, बेल। यहाँ पे देखें दो टॉफीज़ है ना, चॉकलेट तो नहीं है, इसका मतलब है कि इनके साथ में बड़ी ये मौजूद है, वो खेल रही है, तो आवाज़ भी बड़ी ये की आएगी ना, बड़ी ये की आवाज़ क्या है, ए, बेल, बेल। और देखें यहाँ पे लिखा हुआ है जेल, जेल, जेल। यहाँ पे भी दो टॉफीज़ है ना, चॉकलेट तो नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, जेल, जेल, जेल। यानी कि यहाँ पे बड़ी ये मौजूद है, तो बड़ी ये की आवाज़ आएगी, ए की। हाँ तो बस ये कहानी कैसी लगी आपको, अच्छी लगी ना। इस कहानी से हमने क्या सीखा कि अगर अब हम कोई भी लफ्ज़ देखेंगे और उसमें हमें लफ्ज़ के बीच में दो टॉफ़ीज़ और एक चॉकलेट नज़र आएगी, तो इसका मतलब है वहाँ छोटी ये मौजूद है, तो वहाँ पे ई की आवाज़ आएगी, क्योंकि छोटी ये की आवाज़ ई की होती है। और अगर हम कोई लफ्ज़ देखेंगे जिसमें सिर्फ दो टॉफ़ीज़ होंगी, चॉकलेट नहीं होगी, इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे बड़ी ये मौजूद है, जी बड़ी ये मौजूद है, तो आवाज़ भी ए की आएगी, ई की नहीं आएगी, है ना, समझ में आ गया, भूलेंगे तो नहीं, याद रखेंगे ना, आगे काम करना है इसका। हाँ बहुत से अल्फाज पढ़ने हैं इसके, है ना। चलें इससे पहले आप ये करिएगा कि इस वीडियो को बार बार सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा, अपने पेरेंट्स को बताइएगा, दोस्तों को बताइएगा कि किस तरह से छोटी ये और बड़ी ये जो हैं वो सबके साथ मिलके खेल रही हैं और उनको क्या क्या मिला है। हम कैसे पहचानेंगे अल्फाजों में कि यहाँ पे छोटी ये मौजूद है, ई की आवाज़ आएगी, और इस लफ्ज़ में बड़ी ये मौजूद है, ए की आवाज़ आएगी। उनको भी जल्दी से बता दीजिएगा ये बात, ठीक है। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ, इससे पहले टीचर को वॉइस नोट भेज दीजिएगा अपना और उनको भी ये कहानी अच्छे से बताइएगा, ठीक है। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ, अल्लाह हाफिज़।